करनाल के जुंडला गेट में शिवपुरी के नजदीक मस्तगिरी अखाड़ा में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की वारदात की गई है। चोर शिवपुरी के कमरे का ताला तोड़कर 39,200 की नकदी की राशि चोरी कर फरार हो गए। शिवपुरी के पंडित ने बताया कि वह मुख्य द्वार के समीप कमरे में सोए हुए थे तो रात को अज्ञात चोर दूसरे कमरे का ताला तोड़कर अंदर घुसे और बैग में रखी 39,200 की राशि को लेकर चंपत हो गए, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि यह राशि मृत लोगों को दाह संस्कार करने के लिए लोगों द्वारा दी जाती थी। इस राशि को इस बैग में रखा हुआ था। वहीं शिवपुरी के प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने बताया कि यहां पर असामाजिक तत्वों का आना जाना रहता है। जो शिवपुरी के मुख्य द्वार के सामने वाली सड़क है, उस पर रात के समय नशेड़ी लोग मटर गश्ती करते रहते हैं, जिससे यहां अन्य वारदात होने का भी अंदेशा बना रहता है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द चोरों की तलाश कर शिवपुरी से चोरी हुई नगद की राशि को बरामद किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सड़क पर पुलिस द्वारा गश्त बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाई जा सके। यहां हम आपको बता दें कि चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह शिवपुरी में रखे हुए दान को भी चोरी कर ले जाते हैं, जो बेहद ही शर्मनाक है। फिलहाल मौके पर पुलिस ने पहुंचकर पूरे मामले का संज्ञान लिया और दोषियों की तलाश प्रारंभ कर दी है। क्या वारदात हुई है यहाँ? ऐसा जी, कल रात को 11 बजे पंडित जी सोए हैं और उसके पश्चात जो इनके कमरे में कुछ पैसे रखे हुए थे, ताले के अंदर रखे हुए थे, वो रात को भी बंदा आया, ताला खोला और पैसे लेकर के यहाँ से निकल गया। सवेरे पंडित जी उठे, देखा तो पैसे निर्धारित थे। जब जाके इन्होंने रिपोर्ट करी कि जी मेरे पैसे चोरी हो गए हैं, यहाँ से मेरे पैसे चोरी हो गए। अब ये पता नहीं कौन आदमी उठा के ले गया, कौन ले गया, किसके सिस्टम ले गया। ताला टूटा नहीं है, ताला खोला गया है। 39,000 रुपये की चोरी हुई है, जो कि यहाँ संस्कार के पैसे, लकड़ियों के पैसे या दान के पैसे आते हैं, वो पंडित जी के पास थे। वो इन्होंने अभी कैशियर के पास जमा करवाने थे, जमा नहीं करवा सके ये किसी कारणवश, और वो सारे पैसा के पैसे उठा के कोई ले गया यहाँ से। ये रात की बात है, पुलिस को सूचना दे दी गई है। ये लगभग पंडित जी का फ़ोन आया जी मेरे पास सुबह, तो रात को 11:30 बजे के बाद 39,280 रुपये गले में से निकाल लिए, थैले में से निकाल लिए गए जी। यहाँ पंडित जी थे, चौकीदार बीमार था इसलिए 5 दिन से नहीं आ पा रहा, तो पंडित कोरोना की वजह से तो ड्यूटी पंडित जी की लगी हुई थी यहाँ पे। पुलिस रिपोर्ट हो गई है जी। ऐसा है जी, ये संस्था जो है 1936 से संचालित है और ये जो पैसा है ये 8 तारीख के बाद का पैसा है, जो हम लोग जहाँ संस्कार करते हैं उसके 2400 रुपये के हिसाब से पर बॉडी आते हैं, कुछ लोग दान भी दे के जाते हैं, ये वही पैसा है। और पंडित जी का फ़ोन आया, उन्होंने बतलाया कि रात को ऐसे ऐसे वारदात हुई, रात को पंडित जी 11 बजे के बाद अपने कमरे में सोए हैं, ये सामने कमरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चौकीदार है उसके बेटे को कोरोना होने की वजह से वो आजकल हमने घर पर फारिग कर रखा है, तो एक कारण ये भी था। लेकिन रात को ये जो हुआ है 11:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में हुआ, जैसा पंडित जी ने बताया कि 5:30 बजे मैं अपना बिस्तर वहाँ पे रखने के लिए जैसे ही गया तो देखा कि थैला खुला हुआ था और बाकी सारा सामान एज इट इज है, लेकिन थैले जो उसके ताला लगा हुआ था वो ताला भी साथ लेके गया हुआ है। और ये पैसा संस्था का नहीं है, ये पैसा समाज का है, समाज से एकत्र किया जाता है और समाज के बीच में ही समाज की इस व्यवस्था को बनाने के लिए पैसा चाहिए। और कहीं ना कहीं इस बात से दुखी हैं कि मतलब जो शमशान जहाँ सबसे जो लास्ट शिटरा है इंसान को आने में, सबसे लास्ट जो जगह है वो शमशान है, और शमशान के अंदर ही अगर ये ऐसा हुआ है तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी शायद नहीं होगी। और प्रशासन से इतना ही अपील है कि जितना जल्दी हो सके इसके खिलाफ सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। 39,280 रुपये है जी, और ये पैसा टोटली जो मैं बता रहा हूँ ये कहीं का नहीं है, 8 तारीख के बाद का। ये जो मृतक आती है उनका 2400 रुपये पर बॉडी के हिसाब से जो लिए जाती है उसका पैसा है। पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है, SHO साहब की तरफ से भी आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द हो सका जितना कार्रवाई होगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता लगा है कि इस रोड के ऊपर रात को 9 बजे के बाद पूरे नशेड़ी मिलते हैं, और वो नशेड़ी हो सकता है कि किसने काम किया किसने नहीं किया, इस बारे में किसी प्रकार का हमें कोई भान नहीं है।
शंका साहब किस पे करे, शंका तो ये है कि पैसा समाज का उठा है, शंका तो सारी चोर है जी मेरे लिए। तो मैं लगभग 11:30 बजे रात में सोने के लिए इस रूम में सामने चला गया। सुबह में 5 बजे जैसे ही खड़ा हुआ, बिस्तर लेके मैं रूम में गया हूँ, तो मैंने ताला खुला हुआ देखा, ताला भी नहीं है, ताले को भी साथ में ले गए। मैं भौचक का मेरे ज़मीन पैरों के नीचे से निकल जाती है। मैं जैसे ही सामने देखता हूँ बैग भी अस्त व्यस्त है, फिर मैं बैग को टटोर के देखता हूँ, उसमें एक भी पैसा नहीं है। बड़ी अचंभे की बात है, ऐसे धाम में से शिवपुरी के अंदर से भी चोरी होना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं रही है। जो सामने आप रोड देख रहे हैं, ये शिवपुरी का पूरा इलाका बड़े नशेड़ी गजेड़ियों का है जी। यहाँ चाकूबाजी, तलवारबाजी, लूटमार हर वक्त रहती रहती है। तो ये काम कोई बाहर का नहीं आएगा, आस का पड़ोसी का ही नशेड़ी टाइप के बंदे करेंगे बाबू जी। ये तो हमारा जो 8-10 दिन का पैसा होता है जी, ये पंडित जी के पास रहता है। पहले वाउचर भरा जाता है इसका, वाउचर भरने के बाद 7-8 दिन का पैसा, क्योंकि हमें यहाँ व्यवस्था को संचालन करने में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ा बहुत पैसा पंडित जी के पास रहता है। तो बल्कि कल ही पंडित जी जो है ना वो वाउचर भर के मेरे पास लाने वाले थे, तो काम की व्यवस्था की वजह से वो नहीं ला पाए, तो रात को ही ये इस तरह का ये हादसा यहाँ पर हुआ है। हाँ जी, देखो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि लोग एक ऐसे संस्थान पे जो सबका जो है ना एक लास्ट डेस्टिनेशन है, और ऐसे स्थान को भी अगर नहीं बख्शा जा रहा है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बुरी बात कोई नहीं हो सकती। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये प्रशासन से पुरजोर अपील करता हूँ कि भी जो भी इसके पीछे जो है ना जो भी शख्स है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और जो हमारी प्रशासन व्यवस्था या पुलिस महकमा है जो उचित कार्रवाई करे, तो यही मेरी गुजारिश है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.